तो बच्चों आज हम आपको चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड 10th क्लास का पढ़ाएंगे, जिसमें कि आपको हम बताएंगे कार्बन की प्रॉपर्टीज, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में और सारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सब आपको हम उसे बताएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होगा कार्बन के बारे में, 9th क्लास में पढ़ा होगा जो बेसिक चीज है कार्बन की, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है। ये बेसिक चीज है। इसके बारे में और क्या पढ़ा था 9th क्लास में? 9th क्लास में इसके बारे में हमने पढ़ा था इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4, यानी कि जो सेल है 2 और एल में 4। और क्या पढ़ा था 9th क्लास में इसके बारे में? कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में होते हैं, जो हमने गोले गोले बनाए थे उसमें। पहले में 2 हो गए, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और उसके बाद 4। इसके अलावा और कुछ पढ़ा हमने 9th क्लास में इसके बारे में? और कुछ हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि कार्बन कभी भी, पहले तो उसके इलेक्ट्रॉन नंबर बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन में कितने होते हैं पता है आपको? जो ये नंबर होता है यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जितने एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन का नंबर, और जितना प्रोटॉन का नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर। फिर जो बचता है ये जो मास नंबर है, मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को प्लस करके आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस यानी कि अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे? 6। तो ये था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। कार्बन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में 0.03% होती है, अर्थ क्रस्ट में 0.04। कार्बन प्रेजेंट एवरीवेयर, कार्बन हर जगह होता है। अब हम इस चैप्टर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हमने इससे पहले 10th क्लास में चैप्टर 3 पढ़ा, मेटल्स नॉन मेटल, जिसमें कि सारी चीजें थी, सारे एलिमेंट्स थे। लेकिन कार्बन का ही अकेला चैप्टर क्यों आ गया? क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर किसी एलिमेंट से रिएक्शन करने को तैयार रहता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये C4+ और C4-, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये चारों किसी को डोनेट कर सकता है या चारों किसी से एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? 8 करने होते हैं, के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं। तो 8 करने के लिए या तो ये 4 एक्सेप्ट करेगा या फिर 2 करने के लिए ये चारों दे देगा। तो जब ये एक्सेप्ट करता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है ये, तो C4+4 जाएगा। लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एनर्जी, वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए C4+ ये नहीं बनाता। C4- क्यों नहीं बनाता? C4- करना है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना। 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास पहले कितने प्रोटॉन थे? 6 प्रोटॉन है इसके पास। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। 6 में 4 इसने एक्सेप्ट कर लिए तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। किसी भी एटम को बैलेंस रहने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहते हैं, या थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है कि एक या दो ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहां पर 6 प्रोटॉन है, यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये जो 6 प्रोटॉन होते हैं कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से C4- पॉसिबल नहीं होता, ये भी नहीं जाता। तो कार्बन के कंपाउंड बनते कैसे हैं? कार्बन के कंपाउंड बनेंगे फिर शेयरिंग करके। कार्बन
प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बाय शेयरिंग। शेयरिंग करता है, शेयरिंग कैसे होती है, सपोज ये कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन है, इसके पास हाइड्रोजन आया, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आया इसके पास, एक हाइड्रोजन और आ गया, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो इस हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, यानी इसको जो की शैल होती है उसमें कितने चाहिए होते हैं, दो चाहिए होते हैं, तो ये दो करने के लिए शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग का मतलब होता है कि किसी का भी एक अधिकार नहीं होता। अगर हाइड्रोजन से पूछेंगे वो कहेगा मेरे पास टू है, किस वाले हाइड्रोजन से पूछेंगे, किससे पूछेंगे कहेगा मेरे पास टू है, टू है, टू है, पार्टनर से पूछेंगे। और जब कार्बन से पूछते हैं तो कार्बन शेयरिंग कर चुका है और वो ये कहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, टू एट, के में टू और एल में एट, इसे कहते हैं शेयरिंग करना। शेयरिंग से जो बनता है बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड ही वजह है कार्बन के कंपाउंड्स की, कार्बन के कंपाउंड्स की वजह यही है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा कार्बन का इंट्रो दिया है, इसके बाद हम टॉपिक्स पे आएंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस कुछ करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन क्या होता है। तो टेट्रावेलेंसी सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था, जो मैंने पहले बताया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-4 होता है, इस 2-4 कॉन्फिगरेशन की वजह से कार्बन के इस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस कि ये जब शेयरिंग करता है तो ये 4 अदर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है भी 4, तो यही चीज इसकी टेट्रावेलेंसी कहलाता है। कैसे लिखेंगे, इसे हम कहते हैं टेट्रावेलेंसी। जब वो चार एटम से कंबाइन करता है तो हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस प्रॉपर्टी को टेट्रावेलेंसी कहा जाता है। फिर आया कैटेनेशन पे। कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन से लिंक करता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये चलो प्रॉपर्टी चलेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद फोर विद अदर कार्बन एटम्स, फोर नहीं, कोई भी हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कार्बन के कार्बन से जुड़ने की प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं, विद अदर कार्बन एटम एंड प्रोड्यूसिंग लॉन्ग कार्बन चेन, इसे कहते हैं कैटेनेशन। कार्बन को कार्बन से जुड़ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है, कितना भी हो सकता है, जैसे काउंटिंग है मैथ्स में, कोई एंड नहीं है, ऐसे ही कार्बन कार्बन से जुड़ता जा सकता है। जैसे एक शेप है, आगे हम पढ़ेंगे, ये ग्रेफाइट की शेप है, ग्रेफाइट में ऐसे ही हर पोजीशन पे कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जो सर्कल मैं बना रहा हूं ये यहां पर कार्बन को दिखा रहा है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने से भी जुड़ सकता है ये। जैसे हनीकॉम होता है, मधुमक्खी का छत्ता, वो कुछ उस तरीके से इसकी शेप आती है ऐसे करके, फिर ये ऐसे, तो ये जुड़ता चला जाता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तो ये दो प्रॉपर्टी थी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक में क्या है आपको कार्बन से कार्बन को जोड़ना है उसे कैटेनेशन कहते हैं, टेट्रावेलेंसी में एक कार्बन का चार से कंबाइन होना होता है ये, और वो चार में से चारों कार्बन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं,
मींस कि कार्बन के चार बॉन्ड दिखाने, इसमें कार्बन से कार्बन को जोड़ना दिखाना, तो नो कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड की डेफिनेशन हमने 9th क्लास में पढ़ी थी और चैप्टर 3 में ही पढ़ा है हमने। कंपाउंड द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स व्हेन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड रेशो। इसमें रेशो फिक्स होता है। फिक्स्ड रेशो का मतलब हो गया, जैसे यहां पर एक कार्बन का चार से जुड़ेंगे, अगर दो कार्बन लेंगे तो 8 हाइड्रोजन होंगे। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला फिक्स होता है। मिक्सचर जो होता है उसमें फिक्स रेशो नहीं होता, बाकी सब सेम रहता है। मिक्सचर और कंपाउंड में यही बेसिक डिफरेंस है कि इसमें रेशो जो होता है वो फिक्स होता है और उसमें फिक्स नहीं होता। तो अब बताएं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स व्हेन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड रेशो, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। अब कंपाउंड दो टाइप का होता है। पहला टाइप है आपका कोवेलेंट कंपाउंड, दूसरा टाइप है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट, या उसका दूसरा नाम है आयनिक। इन दोनों टाइप में क्या डिफरेंस है। पहला, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये शेयरिंग से बनते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे शेयरिंग से बनते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट में, ये जो शेयरिंग से बनते हैं हम सभी जानते हैं, शेयरिंग मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो होती है वो वीक रहती है, वो कभी भी टूट सकती है। तो आप लिखेंगे दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, अब मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट लिखूंगा, पूरा नहीं, इसमें स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये ट्रांसफर से बनते हैं और जब ट्रांसफर कर देते हैं, एक ने दूसरे को कोई चीज दे दी, वापस नहीं मांगेगा वो, तो इसी कंडीशन में इसको जो बॉन्ड बनाना होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड, दे मे बी लिक्विड सॉलिड एंड गैस। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉलिड ही होते हैं। दे आर मोस्टली सॉलिड्स। फिर जब ये सॉलिड लिक्विड गैस है तो इनका एमपीयर बीपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, नॉट एट ऑल, एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बीपी है यहां पर लो होते हैं, आर लो, एमपी एंड बीपी, और इसमें हाई होता है। अगला पॉइंट है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहां शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर है और ये गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद ये जो बनते हैं मोस्टली नॉन मेटल में बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेटल्स। यहां पर 6.6 इसमें मेटल और नॉन मेटल होती है। अब आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बॉन्ड और इसके टाइप्स। बॉन्ड क्या होता है, इसको हमने अभी जैसे बताया भी था कि कार्बन हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है, तो शेयरिंग करने के बाद जो लाइन है जिससे कि पता चलता है कि शेयरिंग हो रही है, या ब्रिज जिससे कि ये
एक दूसरे से बंध जाते हैं सेलिंग करने के बाद, उस ब्रिज को, उस लाइन को हम कहते हैं बॉन्ड। तो इट इज डिफाइंड एज द ब्रिज और लाइन बाय विच या थ्रू विच, बाय विच टू एटम्स आर बाइंड, टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स आर बाइंड टुगेदर थ्रू अ इनविजिबल फोर्स। Is called bond. इसे हम bond कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? Bond कहते हैं। Bond जिसमें कि ये carbon hydrogen से बंध गया, sailing हुई है, लेकिन एक दूसरे से ये हिल नहीं सकता। इसका कुछ definite angle होगा और इसकी position fix हो चुकी है। तो इस तरीके का जो लाइन होती है या ब्रिज होता है जिससे कि कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। अभी जो बॉन्ड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, बॉन्ड इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। पहला टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड, पहले इसे आप आयनिक लिख लो, आयनिक बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट, बैंड नहीं है बॉन्ड है। दूसरा नाम कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड जो ट्रांसफर से बनते हैं, अभी हमने पीछे ग्रुप पढ़ा था, कंपाउंड पढ़े थे आयनिक कंपाउंड, वही डेफिनेशन आएगी इसमें सेम। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा जो बॉन्ड है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयरिंग से बनता है और ये ट्रांसफर से बनता है। शेयरिंग तो ये दिखा रखी है हमने, अगर आप चाहें तो एक बार और डिस्क्राइब कर देते हैं कि कार्बन जो है अपने चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन, अभी सिर्फ हाइड्रोजन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको आगे एक टॉपिक पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, तो उसी को समझाने के लिए यहां पर हम सिर्फ हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो ये शेयरिंग हुई है। अगर आपको आयनिक बॉन्ड बताना पड़े, आयनिक भी ये है। एनी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देता है। तो जब ये डोनेट कर देता है तो इसे प्लस चार्ज आता है और इस पे आता है माइनस। तो यहां ये NaCl, ये जो बॉन्ड है ये आयनिक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और यहां पर जब इससे अगली स्टेज में आप दिखाते हैं तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो आयनिक है, ये कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट। मोनोवेलेंट में सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। डाइवेलेंट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ट्राइवेलेंट में 3। यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो मोनोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आप उसको कैसे दिखाओगे? इस तरीके से। डाइवेलेंट में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ये डबल बॉन्ड, और ट्राइवेलेंट
तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रायल। इस तरीके से ये हमने बॉन्ड को पढ़ा। अब आता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक यानी कि होमो के नाम से, आप अगर नाइन्थ क्लास को थोड़ा सा रिकैप करें तो होमो का मतलब क्या था? होमो का मीन्स था वहां पर सेम। होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो जिनका नेचर सेम होता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। जैसे दूध है, पानी लिया आप उसको मिलाओ तो क्या आप उसको सेपरेट देख सकते हो कहां पर अलग अलग है? वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेटरोजीनियस, पानी ले लो, ऑयल, वाटर एंड ऑयल को आप मिलाओ तो एक लेयर बन जाती है, आप उसको देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर और पानी नीचे। होमोजीनियस भी ऐसा ही है। इन दिस टू और मोर सेम एटम्स आर बाइंड टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल H2 को देखोगे HH, N2 से पहले O2 दिखाते हैं आपको, O2 को जब आप इस तरीके से दिखाओगे तो O2 होता है डबल बॉन्ड से बंधा होता है, और N2 बंधा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है आपके। और हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में आपको दो डिफरेंट एटम्स दिखाते हैं। इन दिस टू डिफरेंट एटम्स आर बाइंड टुगेदर का मतलब क्या है? एटम, जब दो एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर देन दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है दो एटम से मिलके बनने वाला। तो यहां पर दोनों सेम टाइप के एटम्स हैं, देख लीजिए ये सारे सेम है, यानी कि सेम का मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहां पर क्या है, दो डिफरेंट बताते हैं आपको। CO2 को जब कंबाइन करना होता है तो इस तरीके से होता है। कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, दो इधर हो गए, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होते हैं, तो इस तरीके से ये एक हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें कि दो डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन हो रहे हैं। एलोट्रोपी क्या है? जब एक ही एलिमेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में पाया जाता है उसे एलोट्रोपी कहते हैं। जैसे वरुण धवन की जुड़वा मूवी, इंडिया में भी रहता है वो और लंदन में भी होता है, लेकिन शक्ल दोनों की सेम रहती है, उसे हम कहते हैं एलोट्रोपी। यहां पर वही है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन विच दे कैन exist two or more different forms together। जैसे कार्बन है, हम कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कार्बन की ही बात करते हैं। वैसे तो हाइड्रोजन के भी एलोट्रॉप्स हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन हैज थ्री एलोट्रॉप्स, दो आपके एनसीईआरटी में दिखाए हैं, तीसरे की बात अभी चल रही है। फर्स्ट है डायमंड, सेकंड है ग्रेफाइट, और थर्ड जो है उसको अभी मान्यता से मिली नहीं है, उसको हम एक ये भी कह सकते हैं कि अभी एलेक्ट्रॉप्स नहीं मानते हैं, लेकिन गिन रहे हैं उसको, उसका नाम है फुलरिन्स। डायमंड हम सभी जानते हैं डायमंड क्या होता है, डायमंड के बारे में हमने सबने पढ़ा है। ग्रेफाइट भी नहीं पता है तो आपको बता देते हैं, जो पेंसिल होती है
या जितनी भी लैब के अंदर बैटरी या सेल होती है उनके अंदर जो एक ब्लैक कलर का जो छड़ पाई जाती है या उसे जिससे कि उस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं। आपके घरों में जो सेल है कोई सी भी सेल को तोड़ के देखेगा जो ब्लैक पार्ट है वो कार्बन होता है, कार्बन का रूप है वो ग्रेफाइट होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो जो पेंसिल से लिखते हैं वो ग्रेफाइट है। ईजिएस्ट एग्जाम्पल तो डायमंड ग्रेफाइट फुल रेंस, ये एलोट्रॉप है कार्बन के, तीन एलोट्रॉप है। फुल रेंस भी दो तीन तरीके के होते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल में यूज करते हैं हम, लुब्रिकेंट्स में यूज करते हैं, जो आप ग्रीस वगैरह लेके आते हैं ग्रेफाइट से बनता है। डायमंड हमें पता ही है डायमंड कैसा होता है। आपके नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई है तो वो डायमंड है। डायमंड और ग्रेफाइट का अगर डिफरेंस लिखना चाहें तो सबसे पहला यही बनेगा, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। It is not hard. Soft नहीं है लेकिन hard इतना नहीं जितना ये है। क्या diamond electricity conduct करता है? नहीं करता। It cannot conduct electricity. ये करता है। It is a good conductor of electricity. इसीलिए इसका इस्तेमाल हम सेल बैटरी में करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, पता है आप लोगों को, डायमंड के आगे पीछे से देख सकते हैं, डायमंड के आप पार देख सकते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो गया, इट इज ट्रांसपेरेंट। ये ओपेक होता है जिसके पार नहीं देख सकते। इसका जो स्ट्रक्चर है इट हैज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अभी बना के दिखाएंगे आपको। इसका टू डायमेंशनल होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर। इसमें हर एक से ऐसे करके बनाओ, ठीक है, एक ऊपर एक सेंटर में तीन ऐसे, तो ये क्या बना देता है, ये इस तरीके से डायमंड की फिगर आ जाती है। आप चाहें और बना सकते हैं। बाकी आपको साइड में एक मैं अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जो कि आ रहा होगा डिस्प्ले में, ये मैं बना के दिखा रहा हूं, वो आपका बना बना के दिखेगा। तो इस तरीके से ये टू डायमेंशनल है, ये थ्री डायमेंशनल है। आप देखेंगे इसमें एक से दो जुड़ रहे हैं, यहां पर एक से तीन जुड़ रहे हैं। तो जब एक से तीन जुड़ते हैं उसको पेपर पे नहीं दिखा सकते, तीन डायमेंशनल हो जाते हैं। थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होगा, जैसे ये टू है लेंथ ब्रेड्थ, और ये आपका टू डायमेंशनल है। जब इसमें हाइट भी आ जाती है इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसे थ्री डायमेंशनल कहते हैं। तो ये जो डायमंड होता है ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट होता है ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये थे इसके चार पॉइंट। इसमें आगे भी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हाई होगा, हाई एमपी एंड बीपी, इसमें लो। इसका लास्ट पॉइंट है इट हैज टेट्राहेड्रल, ये 11th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, हमने लिखवा दिया यहाँ। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है और इसमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है।
ये हमने पढ़ा डायमंड और ग्रेफाइट को, डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप उस चीज़ को कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के दिखा देंगे, जो भी चीज़ आपकी दिक्कत होगी।